प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने स्कूल का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा आज अचानक से गाजियाबाद के एक स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां वे इस बात की जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे थे कि जो परीक्षाएं इस समय चल रही हैं उनमें किसी तरह की गड़बड़ तो नहीं है, परीक्षा को लेकर किए गए इंतजामों का उन्होंने जायजा लिया और कहा कि नकल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा एक धंधा बन चुकी थी, लेकिन अब उसमें किसी भी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अचानक से औचक निरीक्षण पर पहुंचे मंत्री जी को देखकर स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। रैंडम निरीक्षण के दौरान वाणिज्य नगर के राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। इनमें पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री जी ने अधिकारियों से सीधे कई तरह के सवाल किए। हालांकि जब कोई कमी परीक्षा व्यवस्था के दौरान नहीं पाई गई, तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। देखिए, कुछ जगह हैं प्रदेश में जिनका उल्लेख हुआ करता था। पिछली बार हम लोग ने जब नकल विहीन परीक्षा संपादित कराई तो 12.5 लाख के आसपास विद्यार्थी अनुपस्थित हुए, और अब की बार एक सुखद अनुभूति यह है कि परीक्षा केंद्र सुव्यवस्थित चल रहे हैं, परीक्षा केंद्र खुले में नहीं हैं, सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत हो रहे हैं, कंट्रोल रूम इनका काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाठ्यक्रम जब से NCERT का हुआ तो अब हमारे बच्चों का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चे हैं, CBSE बोर्ड के या अन्य बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनकी मार्किंग जब होती थी 90-95% नंबर तक उनके आते थे। ये 60-65 नंबर बहुत आ जाए जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के तो बड़ी बात होती थी। इनको BA BCom BSc में एडमिशन नहीं मिलता था, सरकारी नौकरी में इनको जाकर उसका प्राथमिकता नहीं मिलती थी। इन सब में हमने व्यापक सुधार किए हैं, और सुधारों के साथ साथ नकल विहीन परीक्षा एक धंधा बन गया था, सेंटर बिकने लगे थे, और कॉपी बदलना, लेखक को यानी एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को बैठा के परीक्षा दिलाना, पर्ची करना, बोलकर नकल कराना, ये प्रथाएं उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। सारी चीज़ें बंद हुई हैं, ना के बराबर हैं, कम हुई हैं पहले से, काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली है। और जहाँ पर कुछ कमी होगी उसको हम लोग इस साल दूर करेंगे, और पढ़ाई समय से, परीक्षा समय से, परिणाम समय से, और 220 दिन तक की जो पढ़ाई है उसमें अभी से छुट्टी तय है, अभी से रिजल्ट कब निकलेगा वो तय है, अभी से परीक्षाएं कब से कब, एक साल पहले मैंने परीक्षा घोषित करी थी कि 7 फरवरी से शुरू होके और 16 दिन में ख़त्म होगी, और हाई स्कूल की 14 दिन में, ढाई महीने परीक्षा चलती थी, अब 14 दिन और 16 दिन में परीक्षा समाप्त हो रही है। ये एक व्यापक परिवर्तन है, शैक्षिक सुधार है, शैक्षिक क्रांति है।